हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोटरसाइकिल इंजन, यानी मोटरसाइकिल इंजन कितने प्रकार की होता है। इंजन की अरेंजमेंट और नंबर ऑफ सिलेंडर के हिसाब से मोटरसाइकिल इंजन को 6 डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप का इंजन होता है सिंगल सिलेंडर इंजन। इसमें एक ही सिलेंडर मिनिमम सीसी यानी 100 से 200 सीसी में काम करता है। यह एक लो बजट इंजन होता है और इसको सर्विस करना आसान होता है। इसमें लगे हुए पार्ट्स का कीमत भी कम होता है और बाइक फ्यूल एफिशिएंट होता है। ज़्यादा सीसी वाला गाड़ी में ये इंजन की सिंगल सिलेंडर की वजह से गाड़ी वाइब्रेट करने लगता है। इसी तरह के इंजन डिस्कवर 125, होंडा सीबी हॉर्नेट 160R, सुजुकी जिक्सर, यामाहा R15 और KTM RC39 में लगे हुए रहता है। ये इंजन हाई परफॉर्मेंस बाइक जैसे कि KTM 690 ड्यूक में भी यूज होता है। इसके बाद सेकेंड टाइप का इंजन होता है ट्विन सिलेंडर इंजन। इसमें 2 सिलेंडर 3 डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट में लगे हुए रहता है। इसी 3 टाइप्स में पहला होता है पैरेलल ट्विन इंजन, उसके बाद वी ट्विन इंजन और लास्ट में फ्लैट ट्विन इंजन। फर्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल ट्विन इंजन के बारे में। इसमें 2 सिलेंडर पैरेलली साइड बाय साइड एक ही क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्ट हुआ रहता है, जिस वजह से हम इसको इनलाइन 2 इंजन भी कहते हैं। इसी टाइप का इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन की कंपेयर में कॉम्पैक्ट होता है और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन की कॉम्पैक्टनेस की वजह से इंजन को रिपेयर करने में ज़्यादा कष्ट लगता है और हाई टॉर्क की वजह से गाड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। इसमें दोनों पिस्टन की वजह से गाड़ी को बैलेंस करना भी आसान होता है, क्योंकि दोनों पिस्टन की मूवमेंट कैंसल आउट कर जाता है और सिंगल सिलेंडर इंजन की कंपेयर में गाड़ी स्मूथ चलता है। इसी तरह के इंजन एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक जैसे कि यामाहा R3, कावासाकी निंजा 300 और लार्ज कैपेसिटी क्रूज बाइक जैसे कि ट्रम्फ, थंडरबर्ड और मिड कैपेसिटी एडवेंचर बाइक जैसे कि BMW F800GS, KTM 790 ड्यूक में दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं ट्विन इंजन की सेकंड टाइप की इंजन जो कि वी ट्विन इंजन के बारे में। इसमें 2 सिलेंडर वी शेप की अरेंजमेंट में एक ही क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्ट हुआ रहता है। दोनों सिलेंडर की एंगल के हिसाब से डिफरेंट कंपनी ने डिफरेंट एंगल यूज करते हैं, जैसे कि हार्ले डेविडसन की कंपनी सिलेंडर बीच की एंगल 45 डिग्री रखता है, जो कि बॉटम एंड में ज्यादा लोड देता है। इसी तरह डुकाटी अपनी गाड़ी में सिलेंडर की बीच का एंगल 90 डिग्री रखता है, जो कि एल शेप में होता है। इस वी ट्विन इंजन में फायरिंग ऑर्डर बर्बलिंग टाइप में प्रोड्यूस होता है और टॉर्क भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इस इंजन में ज़्यादा वाइब्रेशन को कैंसिल आउट करने के लिए बैलेंसर शाफ्ट यूज किया जाता है और इंजन की वीट शाफ्ट की डिजाइन की वजह से गाड़ी का कूलिंग कैपेसिटी अच्छा रहता है। वी ट्विन इंजन के बाद ट्विन सिलेंडर इंजन की थर्ड टाइप का इंजन होता है फ्लैट ट्विन इंजन, जिसको कि बॉक्सर इंजन भी कहते हैं। इसमें दोनों सिलेंडर का डिजाइन हॉरिजॉन्टल और फ्लैट होता है, जो कि क्रैंकशाफ्ट की अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इस इंजन को मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस करना भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। इस फ्लैट ट्विन इंजन की इसी तरह की डिजाइन की वजह से बाइक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम रहता है और इंजन का कूलिंग कैपेसिटी भी अच्छा रहता है। हमें इसी तरह के इंजन BMW R90 और GS में दिखने को मिलता है। ट्विन सिलेंडर इंजन के बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप की इंजन जो कि इनलाइन ट्रिपल इंजन के बारे में। इसमें 3 सिलेंडर पैरेलली एक ही क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्ट हुआ रहता है। ट्विन सिलेंडर इंजन से अधिक सिलेंडर होने की वजह से इसमें ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होता है। सिलेंडर की पैरेलली अरेंजमेंट की वजह से इसमें गाड़ी स्मूथ चलता है ट्विन सिलेंडर इंजन की कंपेयर में। इसी तरह की इंजन ट्रम्प स्ट्रीट ट्रिपल और MV अगुस्ता ब्रुटल 800 जैसे गाड़ी में दिखाई देता है। इनलाइन ट्रिपल इंजन के बाद हम बात करेंगे फोर्थ टाइप का इंजन जो कि इनलाइन 4 इंजन के बारे में। इस टाइप का इंजन में 4 सिलेंडर एक ही क्रैंकशाफ्ट पर कनेक्ट हुआ रहता है। इसमें इवन नंबर ऑफ सिलेंडर की वजह से पिस्टन की मूवमेंट बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से बाइक का बैलेंसिंग अच्छा रहता है। इसी तरह की इंजन को अदर इंजन के मुकाबले स्मूथेस्ट इंजन माना जाता है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेंडर की वजह से गाड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। हमें बेनेली 600i, कावासाकी Z900 और होंडा CBR 1000 RR बाइक में इसी तरह की इंजन दिखने को मिलता है।
सबसे लास्ट और फिफ्थ टाइप का इंजन होता है V4 इंजन। इसमें 2 भी ट्विन इंजन एक ही ब्लॉक में फिक्स होता है। इस टाइप का इंजन की कॉम्पैक्ट नेक की वजह से इसको मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि गाड़ी को बहुत एक्सपेंसिव बना देता है। इस इंजन की डिजाइन की वजह से गाड़ी को स्मूथनेस और हाई टॉर्क मिल जाता है। इसी तरह के इंजन हमें अप्रिलिया आरएस V4 1100 और डुकाटी पैनिगल V4 जैसे गाड़ी में दिखाई देता है। इसी तरह मोटरसाइकिल इंजन को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है और डिफरेंट नंबर ऑफ सिलेंडर की वजह से गाड़ी में डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।